सोमवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली का बजट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया। 2016-17 का बजट रखते हुए सिसोदिया ने कहा कि बजट ऐसा बनाया गया है ताकि आम आदमी को सहूलियत हो। सरकार ने बीते एक साल में कई विभागों में कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जनता के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं की बल्कि पैसे का सदुपयोग किया है। दूसरी बार बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बजट का मतलब सिर्फ पैसे का खर्च तय करना नहीं बल्कि उसका सदुपयोग तय करना है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी घोषणा पत्र उनके लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 10 लाख लोगों को मुफ्त पानी दिया, बिजली के बिल आधे कर दिए, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिए ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सिसोदिया ने कहा कि जनलोकपाल विधेयक विधानसभा से पारित किया गया, दिल्ली की जीडीपी में 13% की बढ़त दर्ज की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से गरीबों को मुफ्त दवाइयां दी जा रही हैं, प्रति व्यक्ति आय में 11% और राजस्व में 17% की बढ़त दर्ज की गई है। सिसोदिया ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी में 19% का इजाफा दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 का कुल बजट 46,600 करोड़ रुपए तय किया गया, जिसका 95% बजट का पैसा दिल्ली के रिसोर्सेज से मिलेगा, 5% केंद्र सरकार से। योजना बजट के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा ई राशन कार्ड सेवाओं के तहत 5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बने और गरीबों और मजदूरों के लिए आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से है। दिल्ली में आज इस वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट की खास बातें इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नगर निगमों को 6,919 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और जाहिर है इससे उन लोगों को जरूर राहत मिल रही होगी जिन्होंने पिछले दिनों बड़े एजिटेशंस न सिर्फ देखे हैं बल्कि उनका खमियाजा भी भुगता है। और यह भी कहा जा रहा है कि हर विधानसभा में मोहल्ला सभा, और जाहिर है क्योंकि यह उनके मैनिफेस्टो में था और लोग ये पूछ भी रहे थे कि जिस मोहल्ला सभा की आप बात कर रहे थे वो कब एग्जिस्ट करनी शुरू होंगी, तो अब मोहल्ला सभा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आम आदमी कैंटीन, कम कीमत पर खाना मिलेगा और जाहिर है इसके लिए अगर ये सब्सिडाइज्ड होगा तो इसकी सब्सिडी सरकार देगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। स्कूल्स में पिछले दिनों दिल्ली के कई नामी स्कूलों में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने स्कूलों को कटघरे में खड़ा किया है और क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खुद उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं इसलिए सीसीटीवी कैमरे सब जगह इंस्टॉल होंगे, ये उन्होंने इंश्योर करने की बात कही है। हेल्थ भी प्रायोरिटी में है, बजट का 16% स्वास्थ्य पर खर्च करने की बात है, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक इसके लिए टेंडर दिए जाने की बात की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में 2 साल में 10,000 नए बेड लगाए जाएंगे ऐसा उनका कहना है। रेडीमेड कपड़े, फुटवियर और मिठाई पर वैट कम कर दिया गया है, लिहाजा जूता, कपड़ा और मिठाई सस्ता होने वाला है। 2017 तक सभी कच्ची कॉलोनीज में पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 नई बसें खरीदी जाएंगी और ये जो डीटीसी की मौजूदा फ्लीट है उसमें शामिल होगी। ई रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी बढ़ी है, ई रिक्शा भी सस्ता होगा।